भारत की महान पौराणिक कथाओं का संग्रह। सब्सक्राइब करें भक्ति कथा। जप तप व्रत अज्ञात शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना किसी भी जीवात्मा के लिए असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। आप ध्रुव के वर्तमान शत्रुओं की शत्रुता का परिणाम ज्ञात करने की इच्छुक थी ना? हाँ स्वामी, किंतु आपने अज्ञात शत्रुओं का उल्लेख करके मेरी जिज्ञासा को और अधिक बढ़ा दिया है। महादेवी, मृत्यु लोक में जन्म लेने वाली हर आत्मा अपने बाहरी शत्रुओं से संघर्ष करते मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। यदि वो बाहरी शत्रुओं पर विजयी होती है तो उसका गर्व और अहंकार बढ़ जाता है, किंतु वो पराजित हो जाती है तो पुनः विजयी होने का प्रयास करती है। महादेवी, सत्य तो ये है कि वास्तविक शत्रु बाहरी नहीं, जीवात्मा के भीतर है। भीतर के शत्रु, ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? महादेवी, तुम्हें ज्ञात होगा कि मेरे कथन को सत्य के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सारा संसार हमें सत्य नारायण कहता है। क्षमा प्रभु, किंतु भीतर के शत्रु का अर्थ स्पष्ट करें। महादेवी, इस सत्य स्वरूपी अमित भक्ति को पाने की कामना रखने वाली जीवात्मा को अपनी देह के भीतर स्थित माया, मोह, मद, लोभ और अहंकार जैसे पांच शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना अनिवार्य है। तो क्या ध्रुव को भी? महादेवी, ध्रुव को ही नहीं, यदि भविष्य में स्वयं मुझे मानवीय अवतार धारण करना पड़े तो इन पांच विकारों से मुक्ति पाने के लिए मुझे भी संघर्ष करना होगा। स्वामी, अपने जन्म के समय ध्रुव ने आपके परम पावन दर्शन पा लिए हैं। महादेवी लक्ष्मी, वे दर्शन ध्रुव के सत्कर्मों के कारण नहीं, अपितु उसकी माता सुनीति की अटल भक्ति के कारण संभव हुए थे। अब यदि ध्रुव भी हमारे दर्शनों का अभिलाषी है तो उसे अपनी अटल भक्ति का प्रमाण देना होगा। मूर्ख ध्रुव, ठहर जाओ। मेरी माता को भगवान विष्णु की भक्ति पर अटल विश्वास है, आप कुछ भी कह ले, किंतु उनकी भक्ति को त्यागना माता के लिए असंभव है। यदि तुझे तेरे विष्णु पर इतना विश्वास है तो जाकर पूछना उससे कि उसने तेरी और तेरी माता की ऐसी भयानक दुर्दशा क्यों की, तुझे तेरे अधिकारों से वंचित क्यों रखा, तुझे वनों में ठोकरे खाने के लिए जन्म क्यों दिया, जाकर पूछना उससे। Thank you.
पिता, हे जगदीश्वर, हे भगवान विष्णु, आप हम माता और पुत्र के प्रति इतने अधिक निष्ठुर क्यों हैं? मेरी माता अपनी अटल श्रद्धा के साथ आपकी आराधना करती है। मैं तो आपके आशीर्वाद से ही जन्मा हूँ। माता कहती है कि उसके लिए मैं आपका वरदान हूँ। फिर हम दोनों के साथ ही अन्याय क्यों प्रभु? क्यों आपने हम माता और पुत्र को अपने अधिकारों से वंचित कर दिया? उत्तर दे प्रभु, उत्तर दे। त्रिलोकीनाथ अपने भक्त के प्रश्नों का उत्तर दे। क्षमा करे त्रिलोकीनाथ, यदि आपके भक्तों के साथ ऐसा अन्याय होता रहा तो आपकी पूजा, आराधना, भक्ति भला कौन करेगा? उत्तर दे प्रभु, अपने भक्त की जिज्ञासा का शमन करे। उत्तर दे जगदीश्वर, उत्तर दे। क्यों वन की ठोकरे खाने का निरर्थक वरदान मेरी माता को दिया? क्या मैं अपनी माता के लिए अशुभ हूँ? उत्तर दे प्रभु, क्या मेरे ही कारण मेरी माता को भयंकर कष्ट भोगने पड़े? क्यों प्रभु, क्यों? उत्तर दे प्रभु, उत्तर दे, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। उत्तर दे, उत्तर दे प्रभु, उत्तर दे, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे प्रभु, उत्तर दे। इस प्रकार अधीर होने से कुछ नहीं होगा पुत्र। तो किस प्रकार होगा माता? मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मेरे आराध्य जगदीश्वर से मांगना है। मैं तुम्हें और अधिक कष्ट की अवस्था में नहीं देख सकता माता। तुमसे ये किसने कह दिया पुत्र कि मुझे किसी प्रकार का कष्ट है? क्या मैं तुम्हारे कष्ट का अनुमान नहीं लगा सकता? कंबेला की महारानी होते हुए भी तुम इस वन में पड़ी हो। पुत्र, सत्य कहूँ तो तू जिसे कष्ट कह रहा है वो मेरा सौभाग्य है। क्या कहती हो तुम? सत्य कह रही हूँ पुत्र, महलों के सुख भोग में तो मुझे अपने आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु की आराधना का अवसर ही नहीं मिलता था। जब से इस वन प्रदेश में आई हूँ मेरा सारा समय प्रभु आराधना में व्यतीत होता है। इससे अधिक सुख और क्या हो सकता है पुत्र? माता, मैं तुम्हारे दुख से भलीभांति परिचित हूँ। तुम जिसे दुख समझ रहे हो पुत्र, वो वास्तव में दुख नहीं है, परम सुख की ओर बढ़ते यात्री की परीक्षा है। अर्थात? हमारे आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु हमारी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। हमें ये परीक्षा प्रसन्न मन से देनी है। दुखी और अधीर होकर हम कभी भी इस परीक्षा में सफल नहीं हो सकते। मैं कुछ समझा नहीं माता। हमारा जीवन एक परीक्षा है। अनेक जीवात्माएं जीवन प्राप्त करके भी उस परीक्षा को ज्ञात नहीं कर पाती। कौन सी परीक्षा माता? भक्ति की परीक्षा पुत्र। ये परीक्षा अन्य सभी परीक्षाओं से कठिन है, किंतु यदि सद जाए तो इससे सरल अन्य कोई परीक्षा नहीं। पुत्र, इस परीक्षा की सफलता के लिए धैर्य की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। नहीं माँ, नहीं, मैं और अधिक धीरज नहीं रख सकता। जो अन्याय मेरे पिता ने तुम्हारे साथ किया है उसका मैं विरोध करूँगा। सबसे अधिक अन्याय तो महाराज उत्तानपाद ने तुम्हारे साथ किया है पुत्र। इतने वर्ष बीत गए तेरे जन्म को, किंतु कभी उन्होंने तेरी सुध नहीं ली। तो ही बता, इतने कठोर हृदय वाले पिता को क्या पिता कहलाने का अधिकार है संसार में? सुखिया माई, क्या कह रही हो तुम? अबोध ध्रुव को अनुचित शिक्षा दे रही हो? अनुचित को उचित समझकर कितना समय व्यर्थ कर दिया हमने। सुखिया माई, आज ये क्या हो गया है तुम्हें? क्या हो गया ज्ञात नहीं, किंतु इस अबोध बालक की बात सुनकर अवश्य कुछ हो गया है। सुखिया माई, यदि हमारे साथ यहाँ रहने में तुम्हें तनिक भी कष्ट हो तो? ये आप क्या कह रही है बिटिया रानी? भला पुत्री के साथ रह के माता को क्या कष्ट हो सकता है? क्षमा करना, हूँ तो मैं आपकी दासी, किंतु स्नेह और प्रेम
एक माँ के समान करती हूँ, एक माँ के समान। माँ के समान नहीं सुखिया माई, तुम मेरी माँ ही हो। भले ही तुमने मुझे जन्म ना दिया हो, किंतु प्रेम और स्नेह तो जन्म देने वाली माँ से भी कहीं अधिक किया है। तुम्हें दुखी करने का उद्देश्य नहीं था मेरा, किंतु ध्रुव को सत्य, अनुशासन और मर्यादा के जिस पद का ज्ञान हमें कराना है, वह छोटी सी भूल से भी भटक सकता है। यदि ध्रुव अपने पिता से अपना अधिकार मांगने के इच्छुक है, तो हम इन्हें क्यों मना करें? क्योंकि अधिकार ध्रुव के पिता ने ध्रुव की माता से नहीं छीने, अपितु स्वयं ध्रुव की माता ने उन्हें यह अधिकार प्रदान किया है। ये मेरे भाग्य का दोष नहीं सुखिया माई, अपने स्वामी के प्रति अटल निष्ठा का प्रमाण है। तुम्हारी निष्ठा का कष्ट हमारा ध्रुव क्यों भोगे? क्योंकि मैंने स्वामी और सुरुचि को वचन दिया था कि सुरुचि का पुत्र ही कंपिला का युवराज बनेगा। सत्य है, किंतु ऐसा वचन आपने कोई नहीं दिया था कि सुरुचि के विवाह के पश्चात आप महाराज उत्तानपाद की पत्नी बने रहने का अधिकार भी खो देंगी और इस प्रकार एक साधारण स्त्री की भांति इस वन में अपना जीवन व्यतीत करेंगी। क्षमा करें माताश्री, यदि ये भाग्य का दोष है तो मैं भाग्य ही पलट दूंगा, और यदि यह मेरी विमाता सुरुचि का अत्याचार है तो मैं अपने पिताश्री से अत्याचार का कारण पूछूंगा। माता, यदि भगवान विष्णु हम पर कृपा के इच्छुक नहीं है, हमें हमारा अधिकार देने के इच्छुक नहीं है, तो हम कब तक उनकी कृपा पर विश्वास करके बैठे रहेंगे? मुझे कुछ करना ही होगा। निश्चिंत रहो माता, महाराज उत्तानपाद से मैं अपना अधिकार प्राप्त करके ही रहूंगा। ऐसा न करना पुत्र, तेरी भी माता सुरुचि कदापि तेरी इच्छा पूर्ण नहीं होने देगी। तू वहां से अपमानित होकर लौट आएगा और ये आघात तेरी माता सह नहीं पाएगी। माता, तुम तो सदा कहती हो कि अन्याय करने वाले से अधिक दोषी अन्याय सहने वाला होता है। माता, मैं तुम्हें अन्याय सहने का दोषी नहीं बनने दूंगा। यदि तुमने मुझे मेरा अधिकार मांगने से मना किया तो महाराज उत्तानपाद के अन्याय बढ़ते ही चले जाएंगे। हमारे समान ज्ञात नहीं कितने प्रजाजन उनके अन्याय और अहंकार से पीड़ित होते रहेंगे। मुझे मना ना करो माता, ना करो। बिटिया रानी, पुत्र ध्रुव उचित कह रहे हैं, आप इन्हें अपनी स्वीकृति प्रदान करें। कैसे स्वीकृति प्रदान करूं सुखिया माई, कैसे, जबकि मैं सुरुचि के स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ। ध्रुव के जाने पर वे स्वामी के जीवन में कष्टों का तूफान ला देगी। पुत्र ध्रुव, भगवान विष्णु की श्रद्धा पर विश्वास रखो, वे जो कुछ भी करेंगे उसी में हमारा कल्याण है। कैसे विश्वास करूं माता, भगवान विष्णु ने मेरे प्रश्नों के उत्तर भी नहीं दिए, मुझे दर्शन देने की अभिलाषा पूर्ण भी नहीं की, और मेरे प्रश्नों के उत्तर तुम्हारे पास भी नहीं है। मैं क्या करूं माता, मैं क्या करूं? धैर्य धारण करो मेरे पुत्र, भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हें ऐसे अधिकार प्राप्त होंगे जिनसे युगों युगों तक ये संसार प्रेरणा प्राप्त करेगा। किंतु कुछ पाने के लिए धैर्य और प्रतीक्षा अनिवार्य है। धैर्य धारण करो पुत्र, धैर्य धारण करो। हे दया के सागर, हमारे पुत्र ध्रुव पर कृपा करें, इस अबोध बालक का दुख असहनीय हो गया है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम
पुत्र ध्रुव, ध्रुव, सुखिया माई, उठो सुखिया माई। क्या हुआ? वो कहीं चला गया है। ध्रुव, 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 पुत्र ध्रुव, 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 कहाँ चले गए तुम? कहाँ तुम ध्रुव? ध्रुव, ध्रुव, पुत्र ध्रुव, ध्रुव, कहाँ चले गए तुम? राज ध्रुव कहाँ चले गए? ध्रुव, 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 कहाँ चले गए? शनिदेव, दूसरों का दुख देखकर इस प्रकार असुरों की भांति आनंदित ना हो। शनि, तू मेरा पुत्र है, अपने निकृष्ट आचरण से मेरा नाम और अधिक कलंकित ना कर। बन कर यह अट्टहास। यदि मेरे अट्टहास से आपका नाम कलंकित होता है तो मैं और अधिक अट्टहास करूंगा। याद नहीं मेरे कौन से दुष्कर्म थे कि मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र मिला। हे भगवान, किसी शत्रु को भी ऐसा क्रूर और निकृष्ट पुत्र ना देना जिसे अपने कुल और मर्यादा का तनिक भी ज्ञान नहीं। मैं तुम्हें सावधान करता हूँ शनि, कि अपनी आसुरी शक्ति के प्रदर्शन पर अंकुश लगाओ, अन्यथा मेरा क्रोध तुम्हें क्षमा नहीं करेगा।